subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, question number 5. What is a rainbow? When and how it is formed? एक rainbow क्या होता है? कब और कैसे इसको बनाया जाता है या बनता है? ठीक है? आपने देखा होगा rainbow. Generally जब हल्की सी बारिश हो जाए, तो हमें एक arc नजर आता है आसमान में. कैसा arc? Spectrum से बना हुआ, 7 colors से बना हुआ arc. उसी arc को बोलते हैं हम रेनबो. ठीक है? और खास बात इसमें क्या होती है, इसकी पोजीशन जो होती है सन के जस्ट ऑपोजिट होती है. ठीक है? अब इस रेनबो के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है कि ये रेनबो होता क्या है, कैसे बनता है, कहां बनता है. सो द आंसर इज अ रेनबो इज एन आर्क शेप्ड नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर. एक आर्क शेप में स्पेक्ट्रम नजर आता है, वो भी रेन शॉवर होने के जस्ट बाद. ठीक है? दिन के समय, रात के समय नहीं, दिन के समय. ठीक. अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन. ठीक है? सन के जस्ट ऑपोजिट ही रेनबो हमेशा बनेगा. इसका मतलब सन की लाइट का कुछ ना कुछ रोल होता है रेनबो में. ठीक है? होता कैसे रेनबो, फॉर्म कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो जो रेन शॉवर होता है उसमें जो बूंदें होती हैं, जब एटमॉस्फेयर में ही होती हैं बूंदें वो, तो सन की जो व्हाइट लाइट है उन बूंदों पे पड़ती है और उन बूंदों पे व्हाइट लाइट का क्या होता है, डिस्पर्शन होता है. और वो व्हाइट लाइट्स 7 कलर्स के फॉर्म में डिस्पर्स हो जाते हैं और आसमान में नजर आते हैं. ठीक है? तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो रेन शॉवर के होते हैं उनमें व्हाइट लाइट सन से आने वाली जब इंसिडेंट होती है तो उनका डिस्पर्शन होता है और हमें रेनबो नजर आता है. वो कैसे होता है? द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म. जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं. जिस तरह से प्रिज्म में व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, उसके बाद जो व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, सेम तरीके से उस वाटर ड्रॉपलेट में भी यही प्रोसेस होता है. तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है? ड्रॉपलेट्स का शेप स्पेरिकल होता है. तो स्पेरिकल जो शेप होता है उसमें दो सरफेसेस होते हैं. तो जिस तरह से प्रिज्म में भी दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन होता है, यहां भी दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन होके लाइट डिस्पर्स हो जाती है. ठीक है? अब ये कैसे होता है? दे रिफ्रैक्ट and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Actual में इसमें तीन तरह के process होते हैं. पहला refraction, फिर एक total internal reflection and then again refraction. तीन तरह से होता है. ठीक है? और साथ ही साथ dispersion भी होता है. मतलब एक तरह से चार type के प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है. उसको हम इमेज में समझेंगे कैसे होता है. आपको ये मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा. क्या क्या है? ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई एंड गिव अ व्यू ऑफ आर्क शेप स्पेक्ट्रम ऑन द स्काई. ठीक है? ये सारे जो प्रोसेस है वो किस तरह से होते हैं हम इमेज में समझेंगे. ये है तो ये सनलाइट इंसिडेंट होगी, ये है रेनड्रॉप जो कि स्फेरिकल है. ठीक है? तो ये जो रेनड्रॉप है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा. इसका मतलब ये जो लाइट आई है वो रिफ्रैक्ट होगी और डिस्पर्स होगी. इसमें 7 कलर्स पे, यहाँ आगे इन दो मेन कलर्स लिए जा रहे हैं रेड एंड वायलेट. तो इस पॉइंट पे जो है रिफ्रैक्शन एक बार हो जाएगा. ठीक है? और डिस्पर्शन भी हो जाएगा साथ ही साथ. तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन होने के बाद हमें लाइट बेंड भी मिल जाएगी, उसके बाद कलर्स भी मिल जाएंगे. अब वो जो कलर्स हैं वो इस रेन ड्रॉप के इस सरफेस पे इंसिडेंट होंगे और होना क्या चाहिए, प्रिज्म की तरह इसके बाहर आना चाहिए, एक बार और रिफ्रैक्शन होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता.
यहाँ पे लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करे और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो, तब वो लाइट जो है रिफ्रैक्ट ना होके अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन कलर्स का जो है इस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये कलर्स रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचते हैं। अब इस पॉइंट पे अगेन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है, और लाइट जो है बाहर आती है, वो भी कैसे, 7 कलर्स बाहर आते हैं। ये है ऑब्जर्वर जो कि उन 7 कलर्स को ऑब्जर्व करता है। अब चूंकि रेनड्रॉप जो है स्फेरिकल है तो हमको जो 7 कलर्स हैं उसका व्यू भी आर्क फॉर्म में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो मेन प्रोसेस क्या क्या हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, सेकेंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन, उसके बाद फाइनली लाइट रेज जो है ये सब होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचती हैं सारे कलर्स और हमें नजर आता है रेनबो इन द स्काई, ठीक है। वो भी उसकी पोजीशन क्या होती है, जस्ट सनलाइट के ऑपोजिट, क्योंकि सनलाइट से ही तो उस ड्रॉपलेट पे लाइट इंसिडेंट हुई थी और ये इमेज बनी है या रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इसको आप एग्जाम में यही बनाओगे, अगर मार्क्स पे डिपेंड करेगा इमेज बनाना है कि नहीं, और इसको बनाने के बाद जो है आप एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। एनिमेशन में आपको दिखा देता हूं जिसके बेसिस पे आप थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आप कि किस तरह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन टेक प्लेस होता है। तो ये है रेनड्रॉप, ठीक है, व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हुई और इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स को डिस्पर्स टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्ट करके विभाजित कर देता है और हमको आर्क शेप में जो है रेनबो नजर आता है, ठीक है। एग्जाम में सारे कलर्स बनाने की जरूरत नहीं है, वही रेड एंड वायलेट बनाने का सफिशिएंट होता है।